नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बांका लोकसभा सीट पर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई इस बार बहुत जोर शोर से देखने को मिलेगी। इस बीच जयप्रकाश नारायण यादव, जो कि राजद से हैं और महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। आपको बता दें कि इस बार महागठबंधन से जो राजद है और गिरधारी यादव, जो कि एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आप तस्वीरों में देखिए, समरणालय पहुंचे जयप्रकाश नारायण यादव, उनके साथ उनके समर्थक भी शामिल थे। उन्होंने वहां पे नॉमिनेशन किया और नॉमिनेशन के दौरान जीत को लेकर के काफ़ी उत्साहित जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी यादव दिखाई दिए। आपको बता दें कि महागठबंधन लगातार जीत का दावा ठोक रहा है। वो कह रहा है कि बीजेपी और खास करके बिहार में जदयू, कुल मिलाकर के जो एनडीए की सरकार है, जो एनडीए है, उससे कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि वो जीत को लेकर के उत्साहित है। और खास तौर पर तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के और राजद के सीनियर लीडर भी हैं, उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो इस बार की लड़ाई होगी वो सच और झूठ के बीच होगी, जुमलेबाजी के बीच होगी। तो कुल मिलाकर के वो लगातार टारगेट कर रहे हैं कि जनता खुद फैसला करेगी कि किस तरह से चुनाव में किसको विजयी बनाया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि बांका से जो मौजूदा सांसद हैं आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव, क्या उन्हें जनता एक बार फिर से जीत दिलाती है, एक बार फिर से अपना सांसद चुनती है, या फिर गिरधारी यादव को भारी बहुमत से वहां से जीत मिलती है। ये तय होगा 23 मई के दिन। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण यादव किस तरह से उत्साहित होकर के अपने समर्थकों के साथ समरणालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और अपने जीत का दावा किया। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। खास करके बिहार में लोकसभा की सभी सीटों पर सबसे तेज और सबसे पहले अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ झारखंड समेत देश के तमाम लोकसभा सीटों की बात को जानने के लिए, उसके पीछे की हर खबर को जानने के लिए आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहीं आप खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप लाइव सिटीज़ .in को ज़रूर लॉगिन करें। धन्यवाद।